वालो नहीं मतलब क्या ही ठीक होंगे, इतनी तेज धूप हो रही है और दुनिया भर का टेम्परेचर बाहर इतनी है ना कि सबकी गाड़ फटी पड़ी है, लेकिन फिर भी दो तीन लड़कियां हैं ना, कुछ लड़कियां हैं जो इंस्टाग्राम पे आके ये जताना चाह रही हैं और बताना चाह रही हैं कि नहीं मतलब हम ठीक है और इस गाने पे रील बना रही हैं। नहीं मतलब इनके मजे हैं कि सजे हैं अब उनको खुद पता होगा, इनको करते हैं थोड़ी सी साइड करेंगे। हाँ बिग बॉस के बारे में जो कि 21 जून से चालू हुआ है, बिग बॉस के घर में इस बार भी ना यूट्यूबर भर भर के भरे पड़े हैं और ये इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर भी ना भरे हैं। नहीं मतलब बिग बॉस को भी ये भी पता चल गया है कि ये यूट्यूबर और ये इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर भरेंगे ना तभी हमारी TRP हाई होगी, दोनों आपस में लड़ेंगे हमारी फायदा होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार बिग बॉस के घर में कौन कौन देखने को मिलेगा। हमारी तुम्हारी दीदी, नहीं मतलब तुम्हारी दीदी और तुम लोग की दीदी ओड़ा पावगर, क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ, जो कि दिल्ली में बहुत इस बार मारपीट वड़ा पाव के लिए कर आई है, जितना मुंबई में मारपीट नहीं होता है, ये सब जितना भी लफड़ा कराई है ना केवल बिग बॉस के घर में जाने के लिए। मैं अब तुमसे पहले ही बोलता था कि जितना मारपीट कराई है सब बिग बॉस के घर में जाने के लिए, तो ये दीदी फाइनली बिग बॉस के घर में पहुंच गई है, तो इनका आइए थोड़ा सा वीडियो देखते हैं। मेरे कदमों ने रफ्तार पकड़ी तो लोग मुझे रोकने आ गए। हाँ दीदी तुम्हारी कदमों ने रफ्तार नहीं पकड़ी, गलत जगह पर रख दी है। नहीं अब तुम ठेले रोड पर लगाओगे तो लोग उसको रोकने के लिए आएंगे ही ना, ये तुम्हें पुरस्कार देने के लिए थोड़ी आएंगे। ये थोड़ी है कि तुम साइड में लगाई हो, जाके तुम रोड पर लगा तो कोई सोचो कि कोई रोकने नहीं आएगा, ये गलत बात है। लेकिन झुकना और रुकना मुझे आता नहीं। अगर तुमको झुकना और रुकना नहीं आता ना तो मेरे को नहीं लगता कि बिग बॉस के घर में तुम रुक पाओगी, क्योंकि झुकना और रुकना पड़ता है तब बिग बॉस का ट्रॉफी मिलता है। अगर तुम झुकना नहीं जानती तुम घर से बाहर हो जाओगी। तुम्हें कैसे पता चला? नहीं मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर बिग बॉस के घर में दीदी चली गई है तो जो अपने बार में लगा तो लेके जाएंगे या छोड़ अपने छोड़ दिए हैं कि क्योंकि बाहर ठेला संभालेंगे। मान लो कोई तो धंधा चाहिए ना चलाने के लिए। लाइफ में अपने काम और फैमिली को हमेशा ऊपर रखा, लेकिन सवाल उठाने वाले को हमेशा निशाने पर। नहीं मतलब ये ना बहुत अच्छी बात है कि अपने काम को और अपने फैमिली को हमेशा ऊपर रखना चाहिए, लेकिन ना जो तुम कह रही हो कि सवाल उठाने वालों को निशाने पर रखना तो ये गलत बात है। बिग बॉस में जो घर में गई हो ना तो अनिल सर के जो अगर कोई सवाल करेंगे तो उनको निशाने मत ले लेना, नहीं तो वो निशाने पर लेंगे ना तो टर्मिनल से बाहर हो जाओगी। हाँ टर्मिनल तक पहुंच जाएगी घर से बाहर। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। तो अपनी पर्सनालिटी को आप सभी आ रही हूँ बिग बॉस के घर में। नहीं नहीं दीदी तुम आप बिग बॉस के घर में आई है, लेकिन बिग बॉस के घर में आ रही हूँ इतनी धीरे क्यों बोल रही हैं? आ रही हूँ बिग बॉस के घर में। बिग बॉस के घर में आएंगी तो अगर कुछ हो या ना हो आप जीतेंगे चाहे जीतेंगे, लेकिन बिग बॉस के घर वाले में जो है ना ओड़ा पाव तो खाने को मिल जाएगा उनको। नहीं मतलब ना मैं अनिल सर को ना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना कि बिग बॉस के घर में हर एक चीज मुहैया कराया जाए, मुहैया मतलब उपलब्ध कराया जाए, लेकिन बेसन उपलब्ध न कराया जाए, नहीं तो अगर जियान होती देख ली दीदी ना इनका गुस्सा फट जाएगा, इनका एकदम आग बबूला हो जाएंगे और ये सब करने लगेंगे। कहाँ जाना है कहाँ? ये देखो, ये इतना बेसन फेंकूंगी मैं। अभी दीदी इतनी अमीर नहीं है कि उतनी बर्दाश्त कर लेंगे, पूरे बेसन खराब होगा ये इनसे सहन नहीं होगा। नहीं मतलब तुम लोग सोच रहे होगा ना कि दीदी बिग बॉस के घर में क्या काम है, हम भी यही सोच रहे हैं, अगर कुछ हो ना हो दीदी ओड़ा पाव बनाएंगे उधर अपने भी उधर मार्केट जमाएंगे बिग बॉस के घर में। हाँ लेकिन बिग बॉस इस बार ना हम भी देखेंगे भाई, तभी तो रोस्ट करने के लिए वीडियो हमको मिलेगा। कुछ हो चाहे नहीं इस बार भी ना मजा आएगा बिग बॉस का, क्योंकि एक हमारी कानपुर की है शिवानी कुमारी, इनका भी थोड़ा सा झलक देख लेते हैं। नहीं मतलब देखो अगर मिडिल क्लास की लड़की है ना अगर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेना तो इनकी मतलब मुस्कान देखो। अबे अबे ये तो अभी हंस रही थी, इतना बढ़िया एक्टिंग अभी रोने लगी। अबे पता ही नहीं हंस रही है कि रो रही है। अरे अनिल सर को देखिए समझ में आ रहा है, लेकिन तुम हंस रही हो कि रो रही हो ना ये हमें नहीं समझ में आ रहा, हम कंफ्यूज हो रहा। अगर यही एक्टिंग रहा ना तो ट्रॉफी तुम्हारी हो जाएगी। तो मतलब जो लोग नहीं जानते हैं कि शिवानी कुमारी क्या करती हैं तो हम उनको बताते चले ना, इंस्टाग्राम पे ये रील बनाती हैं, लिपसिंग करती हैं कि 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है? और ये लिपसिंग देखो मतलब ये सब करती हैं इंस्टाग्राम पे। और यहाँ से उठ के ना बिग बॉस के घर में चले गए हैं। एक झाटू तुम हो, तुमसे बोलते हैं कि तुम भी वीडियो बनाओ, लेकिन नहीं तुम्हारी गाने में सुनती नहीं है कि वीडियो बनाया जाए। आज तुम भी बनाते तो बिग बॉस के घर में तुम कल भी आओगे ना। बात तो सही है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा ना जिस हिसाब से इंस्टाग्राम के और यूट्यूबर के इन्फ्लुएंसर डाल रहा है ना, अगले बार हमारा नंबर ना आ जाए। नहीं मतलब
नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मजाक कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है।